Dear student, today we will write lesson 14, My Teacher. इस लेसन का हम क्वेश्चन आंसर यहाँ राइट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए टीचर शो. व्हाट डज ए टीचर शो, एक टीचर क्या बोलता है. तो ए टीचर शोज न्यू सीड्स ऑफ नॉलेज, यानी एक आचार्य या एक टीचर ज्ञान के बीज को बोता है. न्यू सीड्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के बीजों को बोता है. हाउ डज ए टीचर फील व्हेन हिज पीपल्स ग्रो, एक आचार्य क्या अनुभव करता है जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है. तो ए टीचर फील्स हैप्पी व्हेन हिज पीपल्स ग्रो, एक आचार्य बहुत ही प्रसन्न खुश होता है जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है. व्हाट डज ए टीचर स्प्रेड, यानी एक टीचर क्या फैलाता है, क्या चारों विस्तार करता है. ए टीचर स्प्रेड द सेंट ऑफ नॉलेज, एक टीचर यानी एक अध्यापक ज्ञान को चारों फैलाता है, ज्ञान के सुगंध को फैलाता है. व्हाट डज ए टीचर ट्रांसफॉर्म, एक आचार्य क्या रूपांतरित करता है. तो ए टीचर ट्रांसफॉर्म ए प्लांट इनटू ए ट्री, एक टीचर छोटे से पौधे को एक बड़ा पेड़ में रूपांतरित करता है. यानी एक बच्चा छोटा सा जब विद्यालय पढ़ने आता है तो पढ़ के बड़ा अच्छा बुद्धिमान बनता है. यानी एक टीचर ट्रांसफॉर्म ए प्लांट इनटू ए ट्री, एक टीचर एक छोटे से पौधे को पेड़ में रूपांतरित कर देता है. व्हाट डज ए टीचर वांट हिज पीपल टू डू, एक टीचर क्या चाहता है अपने शिष्यों से. तो ए टीचर वांट्स हिज पीपल टू थिंक फ्री, एक टीचर चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो अच्छे से स्वतंत्रता से सोच सके, इस काबिल बन सके कि वो सही गलत समझ सके. तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट हो गया. इस गुड हैंड राइटिंग से अपने इंग्लिश नोटबुक में राइट करेंगे. राइट में क्वेश्चन टू है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, इस पोएम में से हमें राइमिंग वर्ड को यहाँ राइट करना है. तो ये देखिए, सोर्स यहाँ ग्रो है, यहाँ काइंड माइंड, नॉलेज कॉलेज, ट्री फ्री, ट्री और फ्री, यही हमने यहाँ राइट किया है. सोर्स ग्रो, सो यहाँ सो लिखिए, सो ग्रो, नॉलेज कॉलेज, काइंड माइंड, फ्री ट्री फ्री, ये राइमिंग वर्ड हो गया है. इसी तरह क्वेश्चन थ्री है, क्वेश्चन थ्री है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प द पोयम, इस पोयम से ही इस सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट है, द टीचर सोस द न्यू सीड्स ऑफ नॉलेज, न्यू सीड मतलब होता है ज्ञान का नया सीड्स, ये हो जाएगा द टीचर सो द न्यू सीड्स ऑफ नॉलेज. द टीचर सॉल्व, द टीचर सॉल्व द डाउट ऑफ, डाउट मीन्स दुविधा, डाउट, द टीचर सॉल्व द डाउट ऑफ हिज पीपल्स माइंड. द टीचर स्प्रेड, द टीचर स्प्रेड द सेंट ऑफ नॉलेज, सेंट ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान का सुगंध, सेंट ऑफ नॉलेज. लास्ट है, द टीचर इनकरेज हिज पीपल टू थिंक फ्री, टू थिंक फ्री, यहां हम थिंक को फिलअप करें. तो इस प्रकार आपका ये टू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसे गुड हैंड राइटिंग से अपने नोटबुक में राइट करेगा. क्वेश्चन फोर है, एड आई एन जी विथ द वर्ब, यहाँ ये वर्ब दिया है, इसमें आई एन जी एड करना है. यहाँ दिया सो, सो में आई एन जी एड करना है, सोविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोविंग, आई एन जी एड हो जाएगा. ग्रो में आई एन जी एड हो जाएगा तो ग्रोविंग हो जाएगा. यहाँ क्लियर करना है सॉल्व, सॉल्व में जो ई है इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ आई एन जी एड कर देंगे तो सॉल्विंग हो जाएगा. स्प्रेड में आई एन जी जोड़ेंगे तो स्प्रेडिंग, ट्रांसफॉर्म में आई एन जी एड करेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा. यानी आई एन जी सब में एड होगा, लेकिन यहाँ पे बस क्लियर करना है कि हम ई को यहाँ से रिमूव कर देंगे. इसे आप हैंड राइटिंग से राइट करेंगे.